दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके दिल्ली कैंट में बदमाशों ने बंदूक के बल पर एक गाड़ी लूट ली। बेखौफ बदमाशों की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये वारदात 29 अक्टूबर की बताई जा रही है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि किस तरह से ये बेखौफ बदमाश सरेआम पिस्टल दिखाकर एक शख्स से उसकी फॉर्च्यूनर छीनकर चले गए। हैरानी की बात ये रही कि वहां पर आसपास के लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। बदमाश जब इस घटना को अंजाम दे रहे होते हैं तो उस दौरान कोई भी उनके बीच में नहीं आता है। सीसीटीवी के वीडियो में दिख रहा है कि एक बाइक पर तीन बदमाश आते हैं, तभी फॉर्च्यूनर कार वहां पर आकर रुकती है। बाइक पर बैठे बदमाशों में से एक बदमाश उतरता है और फॉर्च्यूनर के ड्राइवर के ऊपर पिस्टल लगा देता है। ड्राइवर गाड़ी की चाबी देने से इनकार करता है तो बदमाश एक हवाई फायर कर देते हैं ताकि गाड़ी के मालिक और आसपास मौजूद लोग भी डर कर वहां से भाग जाएं। वहीं फायर होते ही ड्राइवर डर जाता है और गाड़ी की चाबियां बदमाशों को सौंप देता है। बदमाश वहां से फॉर्च्यूनर लेकर फरार हो जाते हैं। बदमाश पीड़ित का मोबाइल भी लूट लेते हैं जबकि अपनी बाइक वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना मेरठ निवासी राहुल नाम के शख्स के साथ हुई है। पीड़ित राहुल की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद किया है। फुटेज में बदमाशों के चेहरे आने के बाद उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली कैंट पुलिस ने धारा 397 डकैती मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास पर भारतीय दंड संहिता की 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कैंट इलाका एक आर्मी इलाका है जहां पुलिस की 24 घंटे तैनाती और पेट्रोलिंग रहती है और उस इलाके से इस तरह की तस्वीरों ने आम आदमी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।